तो देखिए प्यारे बच्चों, आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ प्रोग्राम की बना रहा हूँ, और ये छोटी क्लासेस के बच्चों के लिए है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेकंड जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए है। पहले तो ये देख लें कि प्रोनाउन हम किसे कहते हैं। जो शब्द जैसे हिंदी में होता ना, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो शब्द जो है आपके ए वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, जो भी शब्द जो नाउन की जगह यूज होता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोनाउन। ए वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, नाउन की जगह यूज होने वाले शब्दों को ही हम प्रोनाउन कहते हैं, हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। तो ये पता होना चाहिए। अब ये तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन मीन्स मैं, फर्स्ट मीन्स पहला, पहले तो मैं अपने से ही शुरुआत करूँगा। तो फर्स्ट पर्सन क्या होगा, आए, और फिर वी, वी प्लूरल हो जाएगा, आए का मी बन जाएगा और वी का अस बन जाएगा, ये भी प्रोनाउन है, आपके टेंस में यूज होंगे, अभी आपको पता चल जाएगा उसको। अभी मान लीजिए मैं और हम फिनिश हुए, अब सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू, तुम, यू योअर्स, तुम्हारा, तुम्हारे। तो ये जो है यू एंड योअर्स, ये आपका जो हुआ सेकेंड पर्सन। फिर होता तो थर्ड पर्सन, हमसे तुमसे अलग थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन ही सी इट या दे का देम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा और सी का हर हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखे हुए हैं, फर्स्ट पर्सन में आई वी अस एंड मी, सेकेंड में यू योअर्स, थर्ड में ही सी इट दे देम हर और हिम। मीन्स उनका नाम ना लिख करके हम उनकी जगह वो प्रोनाउन उसको उस वर्ड को यूज़ कर देते हैं, उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। अब मैं कुछ सेंटेंस लिख करके आपको समझाऊंगा। देखिए सेंटेंस करने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि इस प्रोनाउन की जो कैटेगरी है वो मेन सी जो होती है, कॉमन सी, वो तीन होती है। जैसे सब्जेक्ट प्रोनाउन जो होते हैं, सब्जेक्ट की जगह यूज होने वाले शब्द जो होते हैं वो ये है, ही, सी, इट, दे, आई और यू। ये किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की ये जगह यूज होती है, सब्जेक्ट के मोस्टली प्रारंभ में मिलेंगे। सब्जेक्ट वैसे सेंटेंस के बाद में भी आ सकता है लेकिन बहुत ही कम। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, उस सेंटेंस के अंदर जो एक्शन करने वाला होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की जगह यूज होने वाले जो प्रोनाउन है वो ये हैं, ये याद होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन्स जो हैं, मी, मुझे, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी, यू, हिम, हर, इट, अस और देम, ये क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज होते हैं। ही गेव मी, ही सब्जेक्ट हुआ, गेव मीन्स दिया, मी मीन्स मुझे, ए पेन, तो ही गेव मी ए पेन, तो मी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाएगा। इसी प्रकार से पजेसिव प्रोनाउन्स क्या होता है, पजेसिव क्या होता है, ओनरशिप को शो करने वाले, किसी चीज पे आपका अधिकार, दिस मार्कर इज माइन, ये मार्कर तो मेरा है, दिस मार्कर इज योर्स, ये मार्कर तो तुम्हारा है, अंडरस्टैंड। तो ये जो पजेसिव वाले वर्ड हैं, जैसे योर्स, माइन, आवास, हर्स, हसमिस लड़की का, ये पेन तो उस लड़की का है, दिस मार्कर इज हर्स, माने हिज है, दिस इज ये हाउस, मान लीजिए दिस इज हिज हाउस, ये उसका घर है। तो पजेसन को शो करने के लिए देश में उनका, ये उनका है, कोई चीज़ उनकी है, ये घर उनका है, दिस हाउस इज देयर्स। तो इस प्रकार से ये आपको पता होना चाहिए, तीन कैटेगरी, आप अभी एलिमेंट्री स्टूडेंट्स तो इस चीज़ में जाएंगे, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। अब मैं एक एक दो दो सेंटेंस लिख के आराम से आपको समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, चिंता ना करें, यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एंड यू विल अंडरस्टैंड ईजिली दिस टॉपिक। तो आइए आप इन सेंटेंसेस पे ध्यान दीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक बिल्कुल। जैसे देखिए, ही गेव मी ए 100 रुपी नोट, उसने मुझे 100 रुपये का एक नोट दिया। तो ही, उसने, ही प्रोनाउन है, उसका नाम नहीं लिया,
मतलब नाम की जरिए यूज हो रहा। मैं कहूँ मुकेश गिव मी ए 100 रुपी नोट, मुकेश ने मुझे 100 रुपये का नोट दिया, लेकिन मुकेश ना लिख करके मैंने उसके जरिए नाम के जरिए क्या लिख दिया, ही। तो ये क्या कहलाएगा, प्रोनाउन। ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, देने वाला वह है, तो वो सब्जेक्ट हुआ क्योंकि वही तो उसी ने तो दिया वो काम, जो नोट देने का किया उसने किया ही, तो ही सब्जेक्ट हुआ, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएगा। फिर गेव मी मुझे दिया, तो मी क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहलाएगा। अब देखिए सी विल गिव यू ए बुक, वह आपको एक बुक देगी, तो सी क्या है, कौन देगा, सी। अब मैं मोनिका कहूँ, मोनिका विल गिव यू ए बुक, मोनिका ना लिख करके मैंने क्या लिख दिया, सी। तो सी क्या कहला रहा है, प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और यू आपको देगी, तो यू क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब यहाँ देखिए दिस हाउस इज आवर्स, ये घर जो हमारा है, आवर्स जो है, जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वे अधिकतर जो है बिल्कुल आपके नाउन के बाद में यूज होंगे, नाउन के बाद में, जिस चीज पे आपका अधिकार है उसके बाद में उसका जो है पजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है, सेंटेंस के बाद में यूज होता है। दिस इज माई पेन, इससे आपको क्लियर हो जाएगा, दिस इज माई पेन, देख रहे हैं माई पेन, और दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, दोनों ही सेंटेंसेस का मतलब ये है कि ये पेन मेरा है, लेकिन यदि नाउन से पहले आपने लगाना है तो माई लगाना पड़ेगा, और दिस पेन इज माइन,